हेलो व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे सर क्या एस एस ए थ्री फोर जीरो टू ठीक है सर ठीक है सर अब एस ए थ्री फोर जीरो टू किसकी बात करता है ये बात करता है अश्योरेंस रिपोर्ट दिस टॉक्स अबाउट द अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द

अब सर एक बात बताना ये कब एप्लीकेबल होगा वेन विल दिस एस ई थ्री फोर बी एप्लीकेबल तो ये एप्लीकेबल तब होता है जब आप चेक करते हो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारे कंट्रोल्स तो बहुत सुटेबली डिजाइन है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज असर्ट कर रही है ऐसा कह रही है कि हमारे कंट्रोल सुटेबली डिजाइन है और आप इसको चेक करना चाहते हो तो ही एस लगेगा बट इफ दे वॉन्ट यू टू रिपोर्ट ओनली एंड ओनली ऑपरेटिंग इफेक्टिव ऑफ कंट्रोल तो ऐसे ही थ्री फोर जीरो टू नहीं लगेगा ठीक है सर या फिर वो आपको रिपोर्ट करवाना चाहते हैं ऑन द कंट्रोल्स जिनका यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से कोई लेना देना ही नहीं है ऐसे कंट्रोल जिनका यूजर एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है उस केस में उस केस में ऐसे ही थ्री फोर जीरो टू नहीं लगता

Payroll को प्रोसेस करते हैं कि नहीं सो वेदर इंप्लीमेंटेड और नॉट अब हर प्रोसेस में कुछ रिस्क और कंट्रोल्स होते हैं तो क्या इन्होंने इस प्रोसेस में जो भी इनके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स थे इसके रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स है इनको सूटेबली डिजाइन किया है या नहीं एंड लास्ट में हमने सीखा था टाइप टू रिपोर्ट में हम एक चीज और देखते हैं क्या

बेसिक्स आई होप सबको क्लियर है हाँ सर क्लियर है अब मुझे बताओ टाइप वन और टाइप टू रिपोर्ट में फर्क क्या होता है ये बात हमने वैसे ऐसे फोर टू में भी कवर कर रखी है एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं सबसे पहले तो सर दोनों ही रिपोर्ट में आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम आती है और फिर मैनेजमेंट कहती है सर मैनेजमेंट क्या कहती है जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो एकदम फेयर है जो हमने सिस्टम को डिस्क्राइब किया वो एकदम फेयरली डिस्क्राइब किया एज एट सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स लगाए हैं जो कंट्रोल्स लगाए हैं रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ये कंट्रोल्स भी सुटेबली डिजाइंड है एट अ स्पेसिफाइड डेट ये दोनों चीजें हो गई हा सर ऐसी मैनेजमेंट ने आपको रिटर्न अजर्शन दे दी कि भाई सिस्टम भी सही डिस्क्राइब किया है उसके कंट्रोल्स भी सूटेबली डिजाइन किया है अब इसके ऊपर आप अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट देते हो गिव विद रीजनेबल अश्योरेंस कि क्या डिस्क्रिप्शन प्रॉपर है क्या डिस्क्रिप्शन फेयरली

थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्या यहां पे क्या था स्पेसिफाइड डेट यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं थ्रू आउट द पीरियड अब इसमें जो एडिशनल चीज आ जाती है वो क्या है हम यहां पे कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की भी बात करते हैं यानी जो कंट्रोल से रिलेटेड टू कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम देवर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड अब इसी के अंदर आपकी अश्योरेंस आ जाएगी बट अश्योरेंस के साथ चीज क्या आएगी जो आपने कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और उसके क्या रिजल्ट्स निकले क्या कोई मिली, in तो मैंने आपको डेविएशन वगैरह आप बात, तो बात करती है डिस्क्रिप्शन बात करता हूं टाइप टू रिपोर्ट की तो यह बात करता है डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द पीरियड क्लियर है बॉस क्लियर है सर अब इस एंगेजमेंट के साथ कैसे चलना है एकदम छोटे छोटे बच्चों वाले पॉइंट दे रखे हैं सबसे पहले बोलता है कि आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है इंडिपेंडेंट रहना है फ्रॉम द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा वेरी गुड उसके बाद क्या करना है है जो भी मैनेजमेंट होगी उनसे वगैरह करके चलने है, जैसे हर इंगेजमेंट में होता है फिर इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले देख लेना क्या आप इस इसमेंट को परफॉर्म कर पाओगे क्या आपके अंदर कॉम्पिटेंस है कैपेबिलिटी है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने सिस्टम को डिस्क्राइब किया है जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिस्टम को डिस्क्राइब

इसके लिए भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए फिर हमारे दो छोटे पॉइंट्स आते हैं क्राइटेरिया और मटेरियलिटी को लेके। जब भी क्राइटेरिया और मटेरियलिटी वगैरह असेस करते हैं तो तीन बातों को ध्यान रखना वही तीन बातें जो इस पूरे स्टैंडर्ड में बार बार घूमती रहती है सर क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स आर प्रॉपरली डिजाइंड और नॉट एंड तीसरी चीज क्या थी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल सर अपने ऑडिट प्रोसीजर पे आ जाओ चीजों को पहले अंडरस्टैंड करते हैं अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ द एंटिटी देन आपने एविडेंस लेना है वही तीन चीजों को लेके डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सुटेबल डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल टू अचीव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द

सर जनरली जब हम ऑडिट पढ़ते थे तो ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट किसके बीच में होता था डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यहां पे स्टेटमेंट होता है डेट जिस दिन उन्होंने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बनाई डेट जिस दिन उन्होंने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन बनाई फ्रॉम दैट डेट टिल द डेट ऑफ अश्योरेंस रिपोर्ट अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है तो उसका इंपैक्ट भी आपने उनसे पूछ के चलना है फिर सर बात आती है रिपोर्टिंग की एकदम मरियल मरियल पॉइंट्स है टाइटल ऑफ द रिपोर्ट क्या होगा इंडिपेंडेंट अश्योरेंस रिपोर्ट ठीक है सर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एड्रेस होती है फिर इसमें क्या आप आइडेंटिफाई करोगे क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम है ठीक है उसके अंदर क्या कंट्रोल्स कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये सब बेसिक बातें आ जाएंगी ठीक है सर फिर उसके बाद कौन से ऐसी चीजें जिसको सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन कवर नहीं करता मुझे बताओ कौन सी चीज को नहीं करता ट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल कॉम्प्लीमेंट्रीजर एंटिटी कंट्रोल यही चीज यही चीज हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखी थी तो देखो क्या लिखा था कि एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन डिड नॉट एक्सटेंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल भले ही दीज आर नेसेसरी भले ही आर नेसेसरी टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बट अवर एग्जामिनेशन हैज नॉट कवर्ड द सेम एंड लास्ट में कहता है कि अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको लेके हमने क्या नेचर ऑफ एक्टिविटीज करी है तो चार चीजें क्या हो गई जल्दी से बताओ हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम प्लस उसके साथ डिजाइन ऑफ द कंट्रोल और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात की होगी उसके बाद कौन से ऐसे एरियाज थे जिसको आपने कवर नहीं किया उसका एग्जाम्पल आप यहां पे याद रख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल प्लस अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको लेके हमने क्या नेचर ऑफ एक्टिविटीज करी अच्छा सारे बच्चे एक बात बताना एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर सर्विस ऑडिटर ने अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस ऑडिटर है उसने अपनी रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है इसको इंक्लूड कर रखा है तो इसको कौन सा मेथड कहते थे hmm. अगर इसने अपनी रिपोर्ट में सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर रखा है तो ये कौन सा मेथड था ये बात हम करते ऐसे फोर में वैसे पर मजा आ जाएगा अगर आपने बता दिया तो वेरी गुड दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव मैथड दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव मैथड और इसका ऑपोजिट क्या होता था अगर इंक्लूड ना करते तो हम इसको बोलते कारवाउट मैथड अगर इंक्लूड ना करते तो हम इसको बोलते कारवाउट मैथड वेरी वेरी गुड फिर उसके बाद आप क्राइटेरिया वगैरह को आइडेंटिफाई करोगे और बोलोगे जो ये रिपोर्ट है जो ये रिपोर्ट है ये सिर्फ यूजर एंडिटी के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और यूजर एंडिटी के ऑडिटर्स के लिए देन सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पांसिबिलिटी थी मैंने कहा बड़ा सिंपल है सबसे पहले दे विल प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम फिर जो सिस्टम डिस्क्राइब कर रखा है उसी के हिसाब से दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब द सिस्टम इसी सिस्टम के हिसाब से यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी फिर आप बताओगे अपने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अब इन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल्स आपने डिजाइन और इंप्लीमेंट कर रखे हैं तो चार चीजें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्सिबिलिटी में आएंगी इस पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में सबसे पहले क्या आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम इसी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द यूजर एंटिटी देन यू टॉक अबाउट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इनको ही अचीव करने के लिए इनको ही अचीव करने के लिए यू हैव डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड द कंट्रोल टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव गॉटेड गॉटेड सर देन इसके बाद हम किस बात करेंगे सर्विस ऑडिटर का काम है कि वो रिस्पॉन्स अपना ओपिनियन दे अबाउट इन केस ऑफ टाइप टू रिपोर्ट वो ओपिनियन देगा किस परिप्शन ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन केस ऑफ टाइप टू रिपोर्ट फिर वो बोलेगा जो इंगेजमेंट थ्री एज पर एस एर जीरो टू करी जिसमें हमने ऑडिट पूरा प्लान किया परफॉर्म किया प्रोसीजर्स डिस्क्रिप्शन सही है कंट्रोल सुटेबली डिजाइन है एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली फिर आप अपने जो भी प्रोसीजर्स है उनकी समरी वगैरह दे सकते हो तो यह बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी बट आप बोलोगे कि हमारा क्या ओपिनियन है बट अगर टाइप वन रिपोर्ट है तो उसमें कोई ओपिनियन नहीं आएगा आप कोई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल की बात नहीं करोगे प्लस एक पैरा और आता है सर क्या लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल यानी हो सकता है जो कंट्रोल आपने लगाए हैं टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट टू प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट दम स्टेटमेंट वो अपना काम तमीज से ना कर पाए ठीक है सर प्लस मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी सर क्या जो कंट्रोल्स ईयर वन में इफेक्टिव थे जो कंट्रोल्स ईयर टू में इफेक्टिव है हो सकता है वो ईयर थ्री में इफेक्टिव ना रहे बिकॉज प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू फ्यूचर ईयर तो आपको उसको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए तो देखो क्या कहता है रिस्क ऑफ प्रोजेक्टिंग टू द फ्यूचर पीरियड ऑफ द इवेलुएशन ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल फिर जब भी आप अपना ओपिनियन दोगे एकदम पॉजिटिव फॉर्म में दोगे सर क्या डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एज डिजाइंड एंड इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द पीरियड कंट्रोल्स आर सुटेबली डिजाइंड टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आउट द पीरियड फिर जो कंट्रोल करे दे प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली टू अचीव द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द पीरियड सो डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करती है पॉजिटिव फॉर्म में मतलब अच्छी अच्छी बातें करनी है आपने बोला डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट करती है सिस्टम

फाइड डेट देन तीन चीजें आएंगी क्या डेट ऑफ रिपोर्ट प्लेस ऑफ साइनिंग एंड आखिरी में सिग्नेचर वगैरह आ जाएगा क्लियर क्लियर है Clear है sir. हमने एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस किया था क्या एडिशनल मैटर्स मैटर्स क्या एडिशनल होने चाहिए टाइप टाइप टू रिपोर्ट में तो जब हमने वन और टाइप टू का डिफरेंस डिस्कस किया था तो मैंने कहा था टाइप टू में एडिशनली आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और उसके रिजल्ट्स को बारे में भी बताना है तो इसमें आपने एक्स्ट्रा बात क्या बतानी थी बड़ी सिंपल थी यू नीड टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड रिजल्ट इसमें आप क्या बताओगे

what were the nature of test results मतलब क्या आपको कोई डेविएशंस वगैरह मिली ये डेविएशंस तब भी बतानी है भले ही कंट्रोल्स के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हो अच्छा मेरा आप सबसे सवाल बताओ क्या मेरा आप सबसे एक छोटा सा सवाल बताना क्या इधर देखो इधर देखो इधर देखो डिस्क्रिप्शन फेयरली डिस्क्राइब नहीं करती जो डिस्क्रिप्शन है वो फेयरली प्रेजेंट नहीं करती क्या सिस्टम है हम्म hmm. जो कंट्रोल्स हैं वो सूटेबली डिजाइन नहीं है या जो कंट्रोल्स हैं वो ऑपरेट नहीं कर रहे इफेक्टिवली इन केस ऑफ टाइप टू रिपोर्ट या फिर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा तो कौन सा ओपिनियन दोगे बता दो जरा चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है या कंट्रोल सूटेबली डिजाइन नहीं है या कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे या फिर आपको एविडेंस नहीं मिल रहा विच टाइप ऑफ ओपिनियन विल यू गिव क्या लिखा है आपकी किताब में मॉडिफाइड ओपिनियन हम इस केस में सर क्या करेंगे जब भी ये चारों चीजें होती है ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे एंड इसका रीजन भी बता के चलेंगे इसका रीजन भी बता के चलेंगे डॉक्यूमेंटेशन वाले पॉइंट वही है जो ऑडिट में होते हैं ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट एविडेंस कंक्लूजन साथ ही साथ कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसको भी डॉक्यूमेंट करके चलो ठीक है दोस्तों ठीक है सर अच्छा ये क्वेश्चन जो आईसीआई वाला हमने किया था सामने वाले को डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में जानना है तो बताओ कौन सी रिपोर्ट देंगे सर एक ही रिपोर्ट है जो डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की बात करती है थ्रू आउट द पीरियड दैट इज टाइप टू रिपोर्ट तो इसके अंदर अश्योरेंस आ जाएगी अबाउट द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस साथ ही साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और उसके क्या रिजल्ट निकले यह भी आपका पार्ट बन जाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म एंड नेचर ऑफ डेविएशन ठीक है ठीक है सर तो यहां आपकी रिवीजन कंप्लीट होती है आई होप यू एंजॉयड द सेशन यू ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हैव एन ऑसम डे हेट हमें राह ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते टेक केयर ऑल